SMZ News, खबर नहीं आपकी आवाज। देश में मजदूरों की हालत कितनी खराब है, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को उठानी पड़ी है। रोजगार छिन जाने पर हजारों श्रमिक पैदल ही अपने गांव निकल जाने के लिए चल पड़े हैं, जिसके कारण कई मजदूरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों से जुड़ी याचिका संज्ञान लेते हुए केंद्र सहित सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के 20 सीनियर एडवोकेट ने सोमवार को प्रवासी मजदूरों की बदहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा था, जिसके अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के हालातों वाली याचिका संज्ञान में ली। कोर्ट ने केंद्र और सभी सरकारों को नोटिस जारी किया, गुरुवार तक जवाब देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 28 मई को करेगा। केंद्र और राज्य सरकारों को कोर्ट में यह बताना है कि आखिर उन्होंने प्रवासी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए अभी तक कौन से जरूरी कदम उठाए हैं। प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाल भी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से इस मामले पर दलीलें रखने की इजाजत मांगी। गुरुवार को उनकी याचिका भी इस मामले के साथ सुनवाई के लिए लगेगी। इसके पहले घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के हादसे में मौत का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था। इसके पहले घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के हादसे में मौत का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को सुनवाई में कहा था कि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही की निगरानी करना कोर्ट के लिए मुमकिन नहीं है। लोग सड़कों पर चल रहे हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। देश में प्रवासी श्रमिकों के मामले में सरकार को ही जरूरी कार्रवाई करनी होगी। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बाबत भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल श्रमिक ट्रेनों की भी शुरुआत की है, जिससे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।